जो भी कहो, लेकिन फिल्म में कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिसे हम बार बार रिप्ले करके देखते हैं, क्योंकि जो मजा एक लॉजिकल कंटेक्स्ट के साथ देखने में आता है वो शायद ही कभी आपको उन वीडियोस में मिल पाए। ड्रॉप इट। कुछ मिले या ना मिले, लेकिन जिस चीज के लिए आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है वो 100% आपके एक्सपेक्टेशन से ऊपर मिलेगा। सॉरी मैं अचानक आ गई। अंदर आना चाहेंगे? टॉप 7 18+ वॉच अलोन मूवी इन हिंदी इंग्लिश। एक कंपनी जो एक ऐसी रोबोट्स बनाते हैं जो सब कुछ कर सकती है जो एक नॉर्मल ह्यूमन कर सकता है। और रिच लोग इस एंड्रॉइड रोबोट को अपने पर्सनल कामों के लिए खरीदते हैं और इस रोबोट का प्रोग्राम जस्ट एक वाइफ लाइक बिहेव करती है। 2022 में रिलीज हुई साइफाई थ्रिलर वाइफ लाइक मूवी में ट्विस्ट तब आती है जब लोग इस रोबोट के ह्यूमन राइट्स के लिए आवाज उठाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस रोबोट का गलत यूज कर रहे होते हैं। ये सेडक्टिव लेडी अपने लीक से हटकर एक टीचर का जॉब करने लगती है जिसमें उसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। स्कूल के सारे टीचर्स इसे डिसलाइक करते हैं इसके बिहेवियर के लिए, क्योंकि ये क्लास में पढ़ाती नहीं बल्कि सोती है, पर फिर भी ये सारे स्टूडेंट की फेवरेट है। She has such a big heart. Enormous. If I got a new pair of boobs, he'd be all over me. 2011 में रिलीज हुई कॉमेडी रोमांस मूवी बैड टीचर। बट इसके लाइफ में एक प्रॉब्लम आती है जब एक राइवल टीचर इसके स्कूल में आती है पर वो बच्चों को पढ़ाना चाहती है। शहर की सबसे ब्यूटीफुल एक्ट्रेस की डेथ हो गई है और उसके बॉडी को मॉर्ग में लाया जाता है और वहाँ पे काम करने वाले लड़के उस डेड बॉडी को देखकर फिसल जाते हैं और एक एक कर सेक्स करने लगते हैं। तभी वो बॉडी अनयूजुअल तरह से जाग जाती है। Dead people don't talk. She doesn't seem dead. Not at all. 2015 में रिलीज हुई ड्रामा थ्रिलर द कॉप्स ऑफ एनाफ्रेड। का सपना लेकर यह टीनेज लड़की लॉस एंजलिस आती है। I'm here to be the next big porn star. और यह सपना बेला को कितना महंगा पड़ता है ये आप इस मूवी में देखेंगे। 2021 में रिलीज हुई मूवी प्लेजर। You can do anything. पहला ऑडिशन, पहला वीडियो और फोटोशूट, ये सब कितना चैलेंजिंग होता है और इस डार्क इंडस्ट्री के कुछ डार्क सेक्टर्स आपको पता चलेगा। मूवी वो सब के अलावा एक अच्छी स्टोरी प्रेजेंट करती है जो आपको सोचने पर मजबूर करेगी। डाइविंग में इंटरेस्ट होने के कारण रॉक्सी अपने स्टडी को छोड़कर डाइविंग सीखने चली जाती है पर उसे अपने कोच पे ही क्रश आ जाता है। भी अपने इस प्रोफेशनल और पर्सनल रिलेशनशिप को कैसे बैलेंस करेगी ये जानने के लिए देखनी होगी आपको मूवी नो लिमिट। मिल गया है कोई। एंटरटेनमेंट एंगल में ये मूवी काफी शाइन करती है क्योंकि इस मूवी में आपको बोल्डनेस तो देखने को मिलेगी ही पर एक अच्छी स्टोरी और इमोशन भी देखने को मिलेगी। नंबर 2 पे है 2022 में रिलीज हुई रोमांस ड्रामा लेडी चैटरलीस लवर। हस्बैंड वार में इंजर्ड होने के कारण कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं कर पाता है। मैंने तुम्हें सब कुछ दिया वो काफी नहीं है, पर लेडी चैटरली अपने डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए क्या क्या करने लगती है और उसे इन सब प्रोसेस में किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है ये सब आपको इस मूवी में दिखाई जाएगी। आज एहसास हुआ कि मैं कितनी अकेली थी। थैंक यू। नंबर 1 की मूवी ने बोल्डनेस की सारी हदें पार कर दी है। 2003 में रिलीज हुई रोमांस ड्रामा द ड्रीमर। अगर आप रिश्तों के बीच में एक बाउंड्री रखना चाहते हैं तो इस मूवी से आप दूरी रहना। 1968 में तीन फिल्म के शौकीन लोग कुछ ऐसे सीन्स को एक्ट करते हैं और आपस में जिस तरह के रिलेशंस बनाते हैं वो बहुत ही डिस्गस्टिंग है, पर आप उन सबको इग्नोर करके इस मूवी को बहुत ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं। Are you going to pass it or fail? Next level की boldness जिसे आपने इससे पहले कहीं नहीं देखा होगा। अगर आप इस मूवी को सोच समझ कर देखें तो ही अच्छा है।